आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आज के उड़ान कार्यक्रम में विशेष तौर पर रेड कारपेट पे अपना जलवा बिखेरने वाली मृगाक्षी हमारे साथ है। मृगाक्षी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मृगाक्षी, आप मॉडलिंग करती हैं, बेहद खूबसूरत लगती हैं, आपके वीडियोस देखे हमने। क्या चलता है जब आप रेड कारपेट पे वॉक करते हो? तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। मृगाक्षी को लगता है वो एक प्रिंसेस हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो रेड कारपेट पे वॉक करती हैं। मृगाक्षी, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 5th में हूँ। बहुत छोटी हैं आप, और कितनी साल की उम्र से आपने ये मॉडलिंग शुरू कर दी थी? मैंने ये 2.5 ईयर्स। तब आप जानती थी कि मॉडलिंग क्या होता है या फिर बस स्टेज पे उतर के हमको चलना है और खूबसूरत दिखना है? नहीं, तब मैं नहीं जानती थी, तब मैं थोड़ा घबराती भी थी, पर फिर भी मैं चले जाती थी, ऐसे मेरे को कॉन्फिडेंस था अंदर से। तो आपने इतनी जगह मॉडलिंग की और कई जगह स्टेज परफॉर्मेंस किया, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा? मेरे को सबसे बेस्ट वो लगा जब मैं गई थी हयात 5-स्टार होटल में, तो वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी और मैं पहली बार 5-स्टार में गई थी और मुझे वो वहाँ पे बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छा भी लगा था। आपने मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के साथ भी वॉक किया है, आई थिंक। किसके साथ वॉक किया था, कैसा लगा था? मेरे को अच्छा लगा था, पहली बार में तो बहुत अच्छा लगता था, फिर दूसरी बार में भी मैंने वॉक किया, फिर दूसरी बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर मेरे को अंदर से आ गया कि मैं कर सकती हूँ। जब मैंने मिस इंडिया के साथ कर लिया तो मैं मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के साथ भी कर सकती हूँ और वो खुद भी बन के दिखाऊंगी। मृगाक्षी, आप बहुत सारे ब्रांड में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो आपको एक आध ब्रांड याद है? आपने बहुत सारे किए हैं तो आई थिंक याद नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन जो एक आध याद होगा। मैं वहाँ पे भी गई हूँ, सांची दूध आता है उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, और उसके बाद प्रिंट शूट भी किए हैं बहुत सारे, और हयात के लिए भी, हयात ब्रांड्स ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए भी किया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें के लिए मैंने किया है, और मूना लूना किड्सवेयर ऐड के लिए भी मैंने ऐड किया है। उस टाइम बहुत गर्मी थी फिर भी मैंने कर किया। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता जब मॉडलिंग करनी होती है, जब ऐड करना होता है तो एटमॉस्फेयर क्या है, गर्मी है सर्दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो हम बस मस्ती कर रहे थे और ऐड पे ध्यान था, तो वैसे और गर्मी वर्मी नहीं लगी। मृगाक्षी, आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतनी ईजिली लोग बोल नहीं पाते होंगे, आपका नाम किसने रखा? मेरे नाम को रखने वाले मेरे डियर पापा हैं। ओके, तो पापा ने क्या सोच के आपका नाम रखा? एक्चुअली जब मैं बॉर्न हुई थी तो मेरी आंखें एकदम डियर की जैसे थी, और फिर सबको मेरी आंखें डियर की जैसे लगती थी, और मेरा नाम पहले कुछ और था वो याद नहीं है, पर फिर पापा ने सोचा कि मेरी आंखें डियर जैसी हैं और आंखें ही हैं, तो मृगाक्षी रख दिया मेरा नाम, तो मृग जैसी आंखें, मतलब मृगाक्षी, तो मृग जैसी आंखें और मृगाक्षी। मृगाक्षी बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, बहुत छोटी सी हैं, क्यूट सी हैं, और बहुत प्यारी सी इनकी स्माइल है। नो डाउट आंखों पे जो नाम रखा है वो वाकई में उन पर सूट भी करता है, मृगाक्षी। मृगाक्षी, आप कौन से स्कूल में हैं? मैं सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में हूँ। तो स्कूल में भी किसी प्रोग्राम फंक्शन या एनुअल फंक्शन में आप पार्टिसिपेट? हाँ, बहुत सारे, जैसे फैशन शोज होते थे उसमें भी मैं 1st, 2nd ही आती थी, 1st से नीचे मैं कभी नहीं आई, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वर्ड क्रॉस में अभी हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था 2018 में, वहाँ पे मैंने 1st प्राइज़ जीता, मेडल जीता, और भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने पार्ट लिया था, एनुअल फंक्शन में भी बहुत सारे लिया है। छोटी थी तब भी, लवडेल स्कूल में थी तब मैं, या फिर कोई और स्कूल में थी तब भी मैंने डांस परफॉर्मेंस की थी, तो मम्मा को एक टियारा मिला था और मेरे को एक छोटी सी लिटिल सी ट्रॉफी मिली थी। वो छोटी सी लिटिल सी ट्रॉफी लेकर आपको कैसा लगा? तब तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बस पर हाँ, बस अच्छा लगा, अच्छा लगा था। मृगाक्षी, आप मॉडलिंग के अलावा और क्या करते हैं? मॉडलिंग के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे कि मुझे मसाज करने का बहुत शौक है,
मेहंदी लगाने का। आजकल मम्मी ने नया चालू किया सिलाई सिखाने का, उसमें भी मैं एक दो घंटे। मम्मी आपको ऑल ओवर बना देंगी, मम्मी आपको एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका बना रही है कि आपको मेहंदी भी लगानी आती है, आपको मॉडलिंग करनी भी आती है, आपको स्टिचिंग भी आना चाहिए और कुकिंग वगैरह भी सिखा रही है क्या? कुकिंग भी आती है मैं। माय गुडनेस, मैं रोज इतनी छोटी सी बच्ची है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाकई में मम्मी सब चीज़ें सिखा रही हैं और वो सीखती भी जा रही हैं। इसके अलावा और क्या? नहीं, जैसे कुकिंग आपने पूछा तो मैं रोज ऐसे एक दो सब्जी बना लेती हूँ। माय गुडनेस, और सैंडविच बना लेती हूँ। कभी मम्मा सो रही होती है, बोलती हैं चाय बना ले, वो चाय इतनी अच्छी बनती है, कभी कभार शक्कर कम हो जाती है पर फिर भी बहुत अच्छी बना लेती है। छोटी सी है मृगाक्षी और रोज रोटियां भी बनाती है। करके चाय बहुत अच्छी बनाती है मृगाक्षी, दो तीन सब्जी बना ही लेती है मृगाक्षी। खाना हो गया, सिलाई हो गई, इसके अलावा और क्या पसंद है करना लाइफ में? और जैसे मुझे, मेरे को सोशल में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बड़े होकर IAS भी बनना चाहती हूँ। तो सोशल और हिस्ट्री IAS में। आप इसलिए बनना चाहते हो कि आपको सोशल और हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है? हाँ। ओके, IAS एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और जब IAS बन जाते हैं तो हमको बहुत कुछ करने को मिलता है। तब आपने सोचा है कि मैं एक IAS बन जाऊँगी, फिर मैं क्या करूँगी, लोगों के लिए क्या करूँगी? वैसे तो अभी तक ये सब कुछ नहीं सोचा, पर मैंने ये सोचा है कि मैं हर काम अच्छा करूँगी, किसी को मैं दुख नहीं पहुँचाऊँगी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी कर देते हैं पर वो किसी वो लोगों को पसंद नहीं आता है। पर वो मैं ऐसा नहीं करूँगी, जो सबको पसंद आएगा, जो सब कहेंगे वो मैं करूँगी। IAS बनेगी तो सबके मन का करेंगी, कुछ भी अपने मन का नहीं करेंगी, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करेंगी, किसी पे बोझ नहीं बनेंगी, लेकिन सबके मन का करेंगी ज़रूर, सबको खुशी मिले ऐसा करेंगी मृगाक्षी। मृगाक्षी, मॉडलिंग के अलावा, कुकिंग के अलावा, पढ़ाई के अलावा कोई और अदर एक्टिविटी आप करते हो? नहीं, वैसे इतना तो नहीं है, खेलती हूँ। मेरा इंटरेस्ट कौन सा पसंद है आपको? मेरा इंटरेस्ट है बैडमिंटन, बास्केटबॉल। मेरे पार्क में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और भी चीज़ें करती हूँ, एडवेंचर वाली चीज़ें खेलती हूँ और ऐसे ही डांस वांस का कंपटीशन करती हूँ। डांस कौन सा करती हूँ? मैं डांस क्लासिकल भरतनाट्यम करती हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम भी था उसका। तो भरतनाट्यम में कोई ऐसी मुद्रा है जिसमें आप आँखों का इस्तेमाल करते हो? वो दृष्टि भेद है पर अभी वो मुझे सिखाया नहीं है तो मुझे तो एक कोई ऐसी मुद्रा भरतनाट्यम की जो आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, हमारे दर्शक देख सकें? हाँ, प्लीज एक बार करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं करती हूँ असंयुक्त मुद्रा। पताकर श्री पताकर अर्थ पताकर कर्तरी मुखः मयूर राख्यो अर्थचंद्रश्य अड़ाल शुकटुंडक मुष्टिश शिखराकश कपित्थ कटका मुख सूची चंद्रकला पद्मकोश सर्पशिस्था मुगशीश सिंह मुख गांगुलश अलपत मुख। फिर बस इतना ही आता है, तो आधा ही है। मृगाक्षी सब चीज़ बहुत ही निपुणता से, बहुत सफाई से करती हैं, वो डांस भी करती हैं और मुद्राएं भी उनको आती हैं, भरतनाट्यम था ये। और मृगाक्षी, आपको म्यूज़िक भी पसंद है? नहीं, म्यूज़िक में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, वैसे कभी कभार। आप बड़े होके IAS अगर नहीं बनती हैं इन रियल केस, तो आगे और क्या क्या बनना चाहती हैं? मैं बनूंगी एक अच्छी सी मॉडल, मॉडल बन के आगे आगे जाके बनूंगी मैं मिस यूनिवर्स। तो वो तब बनना है मुझे, तब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं और तब मुझे एहसास हो कि वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, मुझे बहुत अच्छा से। हम इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास फ्यूचर की मिस वर्ल्ड है ना? आप फ्यूचर की मिस वर्ल्ड है हमारी। मिस वर्ल्ड बन जाएंगी आप, आपके शहर का, आपका प्रदेश का, आपके देश का नाम रोशन होगा। अब हमको ये बताइए, आपको मम्मी और पापा में से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? पापा। और डांटता कौन है? मम्मा। क्यों डांटती है मम्मा? मम्मा तो आपको सबको सिखा रही है फिर भी डांट देती है। मम्मा सब कुछ सिखा रही है पर इतनी सी भी गलती हो ना तो वो डांटती है। तो सबसे बेस्ट टीचर कौन है आपकी लाइफ का? बेस्ट टीचर है मेरी मम्मा। मम्मा, ओके। स्कूल में फेवरेट टीचर कौन है? मेरी क्लास टीचर अर्चना उपाध्याय मैम और हिंदी टीचर पद्मजा मैम। और फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट सोशल। फेवरेट कलर? पिंक। फेवरेट डिश?
डिश तो वैसे करेला छोड़ के सब पसंद है। ओके, करेला छोड़ के सब पसंद है, करेला कड़वा होता है इसीलिए। फेवरेट ड्रेस? फेवरेट ड्रेस जंप सूट्स क्रॉप टॉप्स। आपने मॉडलिंग की है गारमेंट्स के लिए थी, तो किस टाइप की ड्रेसेस पहन के आपने मॉडलिंग की थी? मैंने फ्रॉक पहन के किया, ऑफ शोल्डर फ्रॉक, लहंगा चोली सूट्स। तब मैं थोड़ी बीमार भी थी, तब मेरी आई में कुछ हो गया था क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था, पर फिर भी मैंने किया पूरा। और पूरा किया 50-50, 20-20, नहीं 20 नहीं, 40-40, 50-50 ड्रेसेस होती हैं, और वो एक के बाद एक रोज़ वो पूरा मेकअप बदलता है। ये होता है शाम को करोगे तो आपको रात के 10 तक तो बज ही जाएंगे। तो फिर बहुत थकान हो जाती होगी, कभी कभी चिड़चिड़ भी होती होगी कि कितनी देर हो गई मैं वही मेकअप लगा के बैठी हूँ, 10 मिनट ही तो मुझे चलना था, उसके लिए 1 घंटे से मेकअप रूम में बैठे हुए हैं। फिर नींद भी आती होगी, कभी भूख नहीं, भी कभी लगती होगी। कभार मेरा मेकअप चल रहा था। मेरे साथ हुआ है एक इंस्टेंट ऐसा, हाँ मैं प्रिंट शूट कर रही थी, मेरा हाँ मेकअप पूरा था हाँ और मैं बीच में से सो गई थी, और हाँ उतने में मेरा पूरा मेकअप हो गया। फिर मैं उठी, देखा मैं तो सो रही थी, मेरा मेकअप कैसे हुआ। फिर मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पे, हाँ उसने बताया कि तुम सो गई थी तब सारा मेकअप कर दिया था, तो ये मेरे साथ हुआ था। फिर मैं शॉक हो मृगाक्षी गई से हम थी। प्यारी प्यारी बातें यूं ही करते रहेंगे, फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मृगाक्षी हमारे साथ है। मृगाक्षी, आपने हमको ब्रेक से पहले बताया था आपको मसाज करना बहुत पसंद है, तो कुछ पार्लर वार्लर खोलने का भी प्लान है? हाँ है तो बहुत सारे, पर मम्मा घर पे भी एक बुटीक खोल रही हैं, तो उसमें ऐसे तो मैं काम नहीं कर सकती, पर मैं सीख के बड़े होके ज़रूर तो करूँगी। आपको लगता है कि कभी मम्मा अभी जैसे बुटीक चला रही हैं या खोल रही हैं, उस मम्मी की हेल्प करने के लिए आप उनके बिजनेस में आएंगी? हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मसाज और ब्यूटी पार्लर करना बहुत पसंद है। आस पड़ोस में मैं खेलने जाती थी और आंटियों की स्किन बहुत ऑयली दिखती थी, अजीब सी, और आंटियों के पास इतनी सारी चीज़ें थी वो यूज़ ही नहीं करती थी। फिर मैंने एक एक करके सारी चीज़ ली, उनको अच्छे से मसाज वसाज सब करके उनको सुंदर बना दिया। फेस मास्क रखा था उनके पास, सब वो वो सब कर यूज़ नहीं कर दिया, रही थी यूज़ फिर, ही नहीं कर रही थी। फिर आपने उनका फेस मास्क यूज़ करवाया, हाँ तो उनको एक सुंदर बना दिया हाँ आपने। तब फ्रेंड्स आपके क्या बोले? नहीं, जब जिसके घर में जाती थी वो बेबी बहुत छोटा था, वो छोटे बेबी को मैं खिलाने जाती थी, मैं और मेरा फ्रेंड, तो तब हम दोनों मिलके, मैं और तो मेरे मम्मा फ्रेंड के ऊपर मिलके। भी हाथ आजमाते हो फेशियल वेशियल का? तो हाँ मम्मा कैसी कैसी दिखने मम्मी लगती थक हैं, जाती हैं। लेकिन आप नहीं थकते? नहीं और फिर फेशियल के बाद मम्मी कैसी दिखती हैं? मम्मी जैसी थी वैसी दिखती हैं, अच्छी। अच्छी, मम्मी हमेशा अच्छी थी, पड़ोस वाली आंटी की वाली स्किन थी लेकिन मम्मी अच्छी दिखती हैं, मम्मी जैसी थी वैसी ही दिखती हैं, फेशियल के बाद प्यारी लगने लगती हैं। मम्मी सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं? मम्मी सबसे अच्छी डिश बनाती हैं छोले भटूरे, और आपको और पसंद? किसी को भी समोसे बनाने नहीं आते जितने अच्छी मम्मी बना लेते हैं। समोसे मम्मी के बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट पोहा भी। मैं बाहर का पोहा बाहर का समोसा कभी नहीं खाती, इनफैक्ट किसी के भी घर जाती हूँ कुछ नहीं खाती स्नैक्स छोड़ के बस। तो मम्मा आपको फेवरेट आपका समोसा और आपके छोले भटूरे बहुत टेस्टी बनाती हैं। मृगाक्षी के संग खासियत है, मृगाक्षी बाहर का खाना नहीं खाती क्योंकि मम्मी उनके बहुत अच्छे समोसे और बहुत अच्छा पोहा बनाती हैं, छोले भटूरे भी। मृगाक्षी आप अभी 5th में हैं, आगे आपने कहा IAS बनी या फिर मैं मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनूंगी, पार्लर भी खोल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप बिल्कुल उस बटरफ्लाई की तरह हैं जो बहुत सारे फूलों के ऊपर बैठना चाहती हैं। कभी आपके मम्मी पापा ने बोला आपसे कि आपको ये बनना है या ये करना है? नहीं, मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया खुला, जो करना है वो करो। हाँ पापा ने मुझे मॉडलिंग में डाला क्योंकि मैं वैसी दिखती थी, तो फिर मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं था, मतलब आई हैव नो डाउट इन दैट कि
क्योंकि मैं अच्छी भी लगती थी उस हिसाब से, थी भी, मेरा नेचर भी उस हिसाब से था। अच्छा, मॉडलिंग के लिए आप प्रैक्टिस करते हो कुछ? हाँ, कि कैसे हमको रैंप में चलना है, या जो मॉडलिंग के और वीडियोस रहते हैं उनको देखते हो कभी कि मुझे ऐसे चलना चाहिए? हाँ, जैसे मैं जब छोटी थी तब मैं जाती थी क्लासेस मॉडलिंग के लिए, वो करती थी। अब वो तो चलो पुराना हो गया, उससे भी अच्छा कर लेती हूँ अब मैं। और उसके बाद तो आपने इम्प्रूवमेंट कैसे किया आपने मॉडलिंग में? इम्प्रूवमेंट जैसे अभी मिस वर्ल्ड बनी है मानुषी छिल्लर, बनी थी 2017-18 में। तो जब वो पूरा आता रहता है मैं देखती जाती हूँ, तो उसमें कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं वो सीखती हूँ, और फिर ऐसे जैसे वो चलते हैं वो सीखती हूँ, क्या क्या कहना चाहिए हमें ऐसे इंटरव्यूज़ में जाके, अपनी रियलिटी, कुछ भी फेक नहीं बोलना चाहिए। तो वो उसी से ही मैंने सब आपको क्या लगता है, खूबसूरती फेक बोलने से ज़्यादा अच्छी लगती है या सच बोलने से ज़्यादा अच्छी लगती है? ब्यूटी डजंट लाइज हेयर, ब्यूटी लाइज हेयर। वेरी गुड, ब्यूटी लाइक हेयर डजंट लाइक हेयर, है ना। फेवरेट हीरोइन कौन सी है आपकी, एक्ट्रेस कौन सी है? फेवरेट हीरोइन तो कोई नहीं है, हीरो ज़रूर है। कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान, ओके। अब आप मॉडलिंग की बात कर रही हैं, आप मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की बात कर रही हैं, तो फेवरेट इंडिया से आपकी कौन है मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स? ऐश्वर्या राय। बहुत लोग कहते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय का बचपन हूँ। ओके, मेरी पोर्टफोलियो में सब देख के कहते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय जैसे दिखती हूँ, तो फिर मैंने भी देखा। और सुष्मिता सेन में बेस्ट आपको ऐश्वर्या राय लगते हैं, और प्रियंका चोपड़ा मानुषी छिल्लर में से? मानुषी छिल्लर। आप किसकी तरह बनना चाहती हैं? मैं एक्चुअली बनना चाहती हूँ मानुषी छिल्लर जैसे, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं, मिस वर्ल्ड भी हैं, और अच्छे से वॉक भी कर लेती हैं, मतलब उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं वैसी बनूंगी। मतलब आप IAS कम मॉडलर बनेंगी? नहीं, IAS ज़्यादा, मॉडलर कम। मतलब ओके, IAS के साथ साथ आप दोनों इक्वली करेंगी, मतलब IAS तो अचीव करेंगी, करियर IAS में बनाएंगी, लेकिन एक बार मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स ज़रूर बनेंगी, है ना, यही है ना। ओके मानुषी, अब स्पोर्ट्स की बात आप मुझे बता रही थी कि आपको बास्केटबॉल पसंद है, और क्या स्पोर्ट्स पसंद है आपको? ऐसे स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं पसंद, जैसे इंडोर गेम हम लोग खेलते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम खेलते हैं ऊनो, चेस पसंद है आपको? चेस में मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, पापा से कभी जीत ही नहीं पाती, पर फिर भी खेल लेती हूँ। पापा तो पापा होते हैं। हाँ, जीत भी कैसे सकते? मैं अपनी फ्रेंड से भी नहीं जीत पाती। ओके, पापा से ये वाला गुण जरूर सीख लेना कि अपने फ्रेंड से जीत पाओ। हाँ, है ना। तो मृगाक्षी, हम आप चेस और बास्केटबॉल ये सब खेलते ही हो, आपको पसंद है? बच्चे सोना बहुत पसंद करते हैं, आपको सोना पसंद है? नहीं, इनफैक्ट मम्मी दोपहर में सो जाती हैं तो मैं नहीं सोती अभी भी। क्या करते हो? अच्छा, मम्मी जब दोपहर में सो जाती हैं, घर में कोई काम नहीं है, तब क्या कर रहे होते हो आप? तब मम्मी सो रही होती है और आप मस्ती कर रहे होते हो। बस किचन में जाती हूँ, आटा लेती हूँ, हाँ, और भुनने लग जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या करने लग जाती हूँ, उससे कुछ बनाने लग जाती हूँ ऐसी, जैसे कि यूट्यूबर्स बहुत सारे ऐसे बताते हैं, तो फेक कैमरा लगा लेती हूँ, उसमें अपनी वीडियोस भेजती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मतलब मृगाक्षी को सब कुछ करना, बहुत खुले दिल से खुले पंखों के साथ उड़ना बहुत पसंद है। मृगाक्षी मम्मी सो रही होती है उस वक्त, वीडियो बना रही होती है यूट्यूब के लिए, डिश कैसे बनाई जाए, है ना। मृगाक्षी, सोना पसंद तो नहीं है आपको, खाना कितना पसंद? रात को भी मैं बहुत मुश्किल से सोती हूँ। खाना कितना पसंद है? खाना भी कम ही पसंद है, बच्चे बहुत कम खाते हैं, मैं भी कम ही खाती हूँ। खेलना कितना पसंद है फ्रेंड्स के साथ, बाहर घर से बाहर निकल के? हाँ, वो बहुत पसंद है, इनफैक्ट मैं दोपहर में भी खेलने चली जाती हूँ। क्या खेलते हो? जैसे कि हम लोग खेलते हैं गधा मार, अच्छा, नॉक नॉक, कॉर्नर कॉर्नर, चेन, और कभी कभार मेरी बड़ी दीदी, फ्रेंड्स की बड़ी दीदियाँ सब आके। पढ़ाई के लिए प्रेशर मम्मी पापा कभी करते हैं आप पे कि पढ़ो भी, ये सब खेलते रहते हो, मॉडलिंग में टाइम वेस्ट करते हो, ये होता है सब जगह, लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए, वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर पढ़ाई का? नहीं, प्रेशर नहीं रहता है। मम्मी कहती हैं सब कुछ करो पर पढ़ाई एक जगह, पढ़ाई कम करो पर करो ज़रूर, एक घंटे दो घंटे रोज़ निकालो। और एग्ज़ाम में तो बहुत स्ट्रिक्टली मम्मा मुझे पढ़ाने बिठाती हैं, इनफैक्ट अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। हमें मृगाक्षी के मम्मी पापा से सीखना चाहिए कि
पढ़ाई का प्रेशर या बोझ बच्चों पे ना डालें, खुले पंख दे दें, आसमान में उड़ने दें, फिर देखें बच्ची को, बच्चों की प्रतिभाएं ऐसे उभर के आती हैं जैसे मृगाक्षी की आ रही हैं। वो स्पोर्ट्स भी पसंद करती हैं, वो डांस भी पसंद करती हैं, वो लिखना पढ़ना भी पसंद करती हैं, वो ब्यूटिशियन का काम भी कर लेती हैं, वो दो चार सब्जियाँ भी बना लेती हैं। मृगाक्षी जैसे प्रतिभावान बच्चे बहुत कम मिला करते हैं। मृगाक्षी, और सबसे फेवरेट काम आपकी लाइफ का क्या है? सबसे फेवरेट काम से नेल आर्ट, कुकिंग। नेल आर्ट भी करते हैं आप? नेल आर्ट भी सीख के कर लेती हूँ। और सबसे फेवरेट काम है मेरा यूट्यूब देखना। यूट्यूब देखना, यूट्यूब पे क्या देखते हो? मैं माय मिस आनंद चैनल देखती हूँ, समरीन अली देखती हूँ, और कुछ अच्छी चीज़ें भी देखती हूँ कभी कभार। आज मेरा टीवी में इंटरेस्ट नहीं आता, टीवी में नहीं आता था। टीवी भी मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ, कभी नेट खत्म हो जाता है तो। नेट खत्म हो जाता है तब मजबूरी में टीवी देखते हो, वरना यूट्यूब पे अपनी पूरे नहीं, मतलब दोपहर में टीवी देखती हूँ। दोपहर में टीवी देखते हो। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपका आगे का फ्यूचर, जो आपने सोचा है कि आप आईएएस बनेंगे और मॉडलिंग करेंगे और आप मानुषी चिल्लर जैसा बनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको एक मौका मिले कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, या मुझे लड़कियों बेटियों के लिए कुछ करना है, तो क्या करूँ? मैं बेटियों के लिए करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बेटियों को नहीं बढ़ाते हैं और लड़कों को बढ़ाते हैं। अब लड़के अगर अपन पैदा कर लें तो शादी में तो लड़की चाहिए शादी करने के लिए, थोड़ी ना लड़का ले लेंगे। और इसलिए इक्वल पालना चाहिए ना सबको। हाँ। लड़का भी लो, लड़की भी लो। हाँ। सब इक्वल है। आजकल लड़कियां भी लड़कों से ज़्यादा आ रही हैं, मतलब ज़्यादा कुछ हर कुछ कर सकती हैं। तो आप लड़कियों की सेफ्टी की बात करें, लड़कियों को सेफ करना चाहिए, लड़कों के बराबर ही लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है मृगाक्षी की। मृगाक्षी आपको एक संदेश भी दे रही हैं, वो ऐसे ही बातें नहीं कर रही, वो आपको संदेश दे रही हैं कि बराबर ही से हमको अपने बच्चे पालने चाहिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। बेटियां आजकल बहुत कुछ कर रही हैं आगे आके, है ना मृगाक्षी? तो आप उनके लिए और क्या आगे करेंगी जब बेटियों के लिए? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेफ्टी, ये सब ज़्यादा करना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो ऐसे चले जाती हैं अकेले और कभी चोर जो सेफ नहीं होता। हाँ, लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृगाक्षी छोटी सी हैं लेकिन सोच बहुत बड़ी है, बातें बहुत प्यारी हैं, छोटी छोटी सी बातों में बड़े बड़े संदेश दे जाती हैं। बेटियों की बात उन्होंने कही और साफ संदेश दिया कि हर अनसेफ जगह पे ना जाएं जहाँ सेफ्टी हो, और उसके लिए सेल्फ डिफेंस उनको आना चाहिए। मतलब मम्मी भी कहती हैं कि तू लड़की है बाहर अकेले मत घूमा कर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मम्मा कहती हूँ, हाँ। मैं मम्मा को कहती हूँ लड़की हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी इंसान ही। वेरी गुड, मैं हर जगह घूमूंगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, जो इतनी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ, बहुत अजीब सी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है, इसकी आवाज़ सुने तो मैं हूँ तो बेटी ही, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं हूँ तो इंसान भी ना। ऐसे ही नई प्रतिभाओं के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल मृगाक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।